तो पीछे जो शिला है उसको भी दिखा देते हैं आपको, जिसने इस मंदिर को बचाया था। मंदिर के अंदर पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण सभी की मूर्तियां हैं, और ये शिला है जिसने इस मंदिर को 2013 की बाढ़ से बचाया था। फिलहाल तो आप ये मंदिर देख सकते हैं जो काफ़ी पुराना है, 1500 साल पहले शंकराचार्य ने इसको बनवाया था। ये काफ़ी बड़ी शिला है, और जो शिव जी विराजमान है वो भी शिला के रूप में विराजमान है। ये जो एक रास्ता जा रहा है, ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मंदिर है, तो पहाड़ियों पे आप बर्फ़ देख सकते हैं। ये रास्ता जा रहा है ऊपर, तो इसी शिला ने बचा लिया था इस मंदिर को। वहां से एक सैलाब आया था 2013 की बाढ़ में। ये सामने शंकराचार्य का एक मूर्ति बनी हुई है वहां पे अंदर, तो देखते चलते वहाँ भी देख लेते हैं। शंकराचार्य की जो मूर्ति है काले रंग की है उसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे कई शिवलिंग है, पत्थर की शिवलिंग है जो सबने बना के रखे हैं। एक बड़ा पत्थर यहाँ भी है जो ऊपर से टूट के आया होगा 2013 की बाढ़ में। तो फिलहाल ये है मंदिर, और पीछे है शंकराचार्य का एक समाधि स्थल जो अभी हाल ही में बना है, श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल। यहाँ पे काले रंग की मूर्ति है। यहाँ से भी दर्शन हो जाएंगे। आगे से भी दिखाती हूँ। काले रंग की बड़ी सी शंकराचार्य की मूर्ति है जो हम नीचे चल के दिखाते हैं। शंकराचार्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारे धाम स्थापित किए थे, जितने भी ज्योतिर्लिंग थे सारे शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजकेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवानी सहितम नमामि। तो फिलहाल शंकराचार्य की ये मूर्ति है यहाँ पे काले रंग में। लगभग 15 फुट की होगी ये मूर्ति। ये समाधि स्थल है शंकराचार्य का। तो अब फिलहाल यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। हमने मंदिर दर्शन कर लिया है, साथ में हमने शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भी देख लिया है। ये मंत्र लिखे हुए हैं जो आजकल गाना चल रहा है, आपने कई बार सुना होगा ये गाना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।